हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ एक नई वैकेंसी के विषय में, जो कि है टीचिंग से संबंधित, और ये है आपका EMRS रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्टाफ चयन परीक्षा ESSE 2023। पहले मैं इसे पढ़ दूं, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ESSE 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव जहां भी लागू हो, और अन्य पात्रता मानदंडों की जानकारी सूचना बुलेटिन में दी गई है, जो कि www.emrs.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 11:50 तक सूचना बुलेटिन में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध है। तो ये एक, मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये EMRS जो आपका एक रिक्रूटमेंट है, ठीक है, बेसिकली ये टीचिंग पर्पज़ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए की रिक्रूटमेंट है, और इसमें जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उन पे जो है एक रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ने रहते हैं वीडियो में और देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में, तो जो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है 28 जून 2023 को। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ है 28 जून से, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 जुलाई है, यानी 31 जुलाई 11:50 रात्रि। ठीक है, लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की जो लास्ट डेट वो भी आपकी 31 जुलाई ही है, सेम डेट सेम टाइम। ठीक है, 11:50। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी डिसाइड है। ठीक है, और किस कैटेगरी, मतलब कैटेगरी इन द सेंस यहाँ पर कि पोस्ट वाइज जो है, प्रिंसिपल के लिए ₹2000 है, PGT के लिए ₹1500, TGT के लिए ₹1000, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए भी 1000 की फ़ी जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं उसमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर प्रिंसिपल की वैकेंसी की बात करें, पहले तो यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए PGT की वैकेंसी है, इसके बाद से अकाउंटेंट की वैकेंसी है, फिर आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA की वैकेंसी है, ये एक क्लैरिकल लेवल की वैकेंसी होती है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि KVS के एग्ज़ाम्स में ये वैकेंसी अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी में कैटेगरी UR 125 सीट है, EWS में 30, OBC में 81, SC में 45 और ST की 22। ठीक है, फिर अगर हम बात करें PGT की वैकेंसी में, तो UR इसमें देख लीजिए 866 प्लस 84, AWS में 204 प्लस 15, OBC में 557 प्लस 45, SC में 308 प्लस 25, ST में 151 प्लस 11। इसके बाद से अकाउंटेंट की वैकेंसी आपकी UR की 147 पोस्ट है, AWS की 36, OBC की 97, SC की 54 और ST की 27 है। JSA की बात करें तो UR की 311 है, EWS 75, OBC 204, SC की 113 और ST की 56। आती है बात लैब अटेंडेंट की, UR में 154 पोस्ट है, EWS में 37, OBC में 100, SC में 55 और ST में 27। तो ये हैं पोस्ट डिटेल्स कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है, और किस किस जो आपका इसमें पोस्ट है, यानी कि जो पोस्ट वाइज जो कैटेगरीज में जो पोस्ट दी गई हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि BEd की डिग्री इज़ कंपल्सरी PGA के साथ, ठीक है ना, यानी कि जो कोई PGA भी आप किए हों उसके साथ आपको BEd की डिग्री होना अनिवार्य है।
साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी विद एटलीस्ट 4 ईयर एज पीजीटी एंड अबव। ठीक है, यानी कि आपके पास मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है, एज अ वाइस प्रिंसिपल एज अ पीजीटी टीजीटी, ठीक है, विद एटलीस्ट 4 ईयर एज अ पीजीटी एंड अबव, यानी कि इसमें से 4 साल, कम से कम 4 साल पीजीटी या इससे अबव होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या क्या है? एक्सपीरियंस इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फुली रेजिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और हिंदी में भी, एंड जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी की वैकेंसी के लिए। तो पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड इज़ कंपलसरी इन पीजीटी आल्सो, यानी कि पीजीटी के लिए भी आपका पीजी के साथ साथ बीएड कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके पास ये होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई डिग्री इन द सेंस कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से हम बात करते हैं जेएसए की, तो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मिनिमम आपको स्पीड चाहिए टाइपिंग की 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और लिखा हुआ है 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ये अभी सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई जा रही है, इसके बाद से मैं जब एज बताऊँगी तो आप समझ पाएंगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ लैब अटेंडेंट, 10th क्लास पास होना चाहिए विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में, 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट्स हैं, इसमें जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन तो अप टू 55 ईयर्स आपको चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी टीचर्स के लिए, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 55 ईयर्स। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से अधिक नहीं, EMRS एम्प्लॉय के लिए सेम है अप टू 55 ईयर्स। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जेएसए, यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए जो है अप टू 55 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचता है लैब अटेंडेंट, तो यहाँ पर भी आपकी एज जो है 30 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ भी है फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज के लिए एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 55 ईयर्स। क्लियर, यहाँ आपको बता दूँ कि जो ये EMRS वैकेंसी है 2023, इसने जो है ऑफ़र किया है बहुत सारे पोजीशंस को। ठीक है, जिसने मैंने आपको बता दिया है कि प्रिंसिपल की पोस्ट है, PGT की पोस्ट है, JSA की है, लैब अटेंडेंट की है। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो इसमें PGT के लिए प्रिंसिपल के लिए, उनके पास जो है आपकी BEd की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, BEd की डिग्री होनी चाहिए, और अगर अकाउंटेंट के लिए आप करते हैं अप्लाई तो आपको जो डिग्री होनी चाहिए वो कॉमर्स में होनी चाहिए। और जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका है वो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तीनों प्रोसेस होंगे इसमें आपके। अब बात कर लेते हैं कि EMRS का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल वो क्या होगा। एग्ज़ाम देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, 130 मार्क्स, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 130 मार्क्स का, जो लैंग्वेज आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स होगा, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 40 मार्क्स का। अगर हम लोग PGT की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें 130 होंगे, टोटल मार्क्स 130 होगा। इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन इसमें आपका 3 आवर्स होगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जेएससी के लिए। यहाँ पर भी टोटल क्वेश्चन 130 होंगे, टोटल मार्क्स 130। सेक्शन आपका है रीजनिंग एबिलिटी का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होगा। टाइम ड्यूरेशन इसमें आपका 2 आवर 30 मिनट्स। बात करते हैं लैब अटेंडेंट की, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 120 होंगे, टोटल मार्क्स 120। सेक्शन इसमें है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स। तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं आपको EMRS रिक्रूटमेंट के विषय में, जो भी कैंडिडेट टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग तो इसमें ज़रूर से अप्लाई कर दें। और जो कैंडिडेट्स अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अभी तक कहीं पे सक्सेस उन्हें नहीं मिली है और उन्होंने बीएड कर रखा है, एज इसमें जो है आपका फ्लेक्सिबल एज में आप आ रहे हैं जो बताया गया है, तो इसको अप्लाई ज़रूर कर दें, आपका इंटरेस्ट टीचिंग में हो या ना हो, बिकॉज़ अभी ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, ठीक है। तो जब कहीं ना कहीं जॉब चाहिए तो उस कंडीशन में आपको कोशिश हर तरफ करनी चाहिए। तो जो भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं उसमें ज़रूर से अप्लाई करें, अगर आप जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।